वहीं भोपाल में कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय यानी आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत में लैंगिक भेदभाव का आयोजन किया। फैकल्टी ऑफ लॉ वुमेन ग्रेविस सेन, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश महिला आयोग का संयुक्त आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत में लैंगिक भेदभाव को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में युवा छात्र छात्राओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रोफेसर विजय अग्रवाल, कुलपति आरकेडीएफ का कहना है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को ही मिलकर चलना है। मुझे लगता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है जो कि स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहते। विश्व पटल पर आगे बढ़ना है तो स्त्रियों को समानता का दर्जा देना अति आवश्यक है। देखिए, खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी के इसमें ये जो सेमिनार हो रहा है और बच्चों को ये पता चलना चाहिए। आज के बच्चे वैसे ही काफ़ी जागरूक हैं, लोग समझते हैं कि किस तरह से देश में जो है लैंगिक भेद बढ़ रहा है, कायम है, अभी भी सदियों से चला आ रहा है। लेकिन ये हमारे लिए दुख की बात है कि ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है। इसीलिए अभी तक हमें महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। अच्छी बात है, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बराबरी की बात होनी चाहिए, सशक्तिकरण की बात भी होती है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि उन्हें सशक्त करने की जरूरत पड़ क्यों रही है? सशक्त करने का मतलब भी है कि वो कमजोर हैं। संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया। जब हम लिंग भेद की बात करते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये इसके मायने एकदम बदल गए हैं। जब ये अभियान शुरू हुआ था तब उद्देश्य कुछ और था। आज हर क्षेत्र में जहां महिलाएं हैं उनके लिए किसी तरह की कोई भी पाबंदी कहीं भी नहीं है। अब शायद मुझे तो लगता है चिंता इस बात की हो गई है कि लड़कों को रोज़गार कम मिल रहे हैं और वो कहीं ज़्यादा अवसादग्रस्त हो रहे हैं। लड़कियां काफ़ी ज़्यादा अनुपात में अब नौकरियों में आ रही हैं। दरअसल लैंगिक वैषम्य पे बात करना हिंदुस्तान में बहुत टिड़ी है, क्योंकि इस देश में एक साथ कई सदियाँ रहती हैं और हम एक बात को हर एक पे लागू नहीं कर सकते। अगर भेदभाव के हिसाब से देखें तो मतलब शहर और गांव में रहने वाले आदिवासी, दलित महिलाएं, अमीर महिलाएं, गरीब महिलाएं, पंथ के हिसाब से महिलाएं, हमारे देश में इतना ज़्यादा अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है कि हम किसी पे बहुत कॉमन बात नहीं कर सकते हैं। तो लैंगिक भेदभाव तो मतलब हम बड़े गर्व से अपने संविधान की बात करते हैं और हम कहते हैं कि संविधान ने हमें समानता के अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की सारी स्वतंत्रता दी है। लेकिन जब हम अंदर के पन्ने खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो पंथ के आधार पर सबके लिए अलग अलग है। लेकिन आज समाज में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे महिलाओं के प्रति जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो लोगों की बढ़ती जा रही है। उनके सम्मान के प्रति कमी आई है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है जो कि स्त्रियों के को बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहते। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर विश्व पटल पर हमको आगे बढ़ना है तो हमें स्त्रियों का सम्मान करना, उन्हें बराबरी का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। और किसी ज़माने में तो महिलाओं की शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं थे, महिलाओं को घर के अंदर से बाहर नहीं निकलने देते थे। आज बहुत सारा परिवर्तन है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी सामाजिक विकृतियाँ हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।